कैसे हैं आप? एज वी ऑल नो डैट अवर मसल बिल्डिंग और फैट लॉस डिपेंड्स अपॉन वॉट वी डू बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ वर्कआउट एंड इन टूडेज वीडियो आई विल टेल यू अबाउट थ्री थिंग्स टू डू बिफोर अ वर्कआउट डैट विल हेल्प यू मेक योर वर्कआउट बेटर देन एवर। नंबर वन, टेकिंग अ नैप बिफोर वर्कआउट। वर्कआउट से पहले नैप लेना साउंड्स प्रीटी सिंपल, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मिनिमम 25 मिनट्स का नैप वर्कआउट से पहले लेने से आपका ओवरऑल वर्कआउट परफॉर्मेंस एनहेंस होता है। Another thing one can do to improve workout performance is to have a clear workout plan. Mostly सभी लोग जिम में जाकर ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं, और कुछ तो कौन सा बॉडी पार्ट लगाना है वो भी जिम में जाकर ही सोचते हैं, जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिससे वो प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना पाते और उनका वर्कआउट लंबा और ख़राब हो जाता है। As we all know, progressive overload is the key to gain strength and muscle, और plan बनाए जिम हिट करना या ऑन द स्पॉट प्लान बनाना प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अपोजिट वर्क करता है, और इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए आपको वर्कआउट से पहले अपना प्रॉपर प्लान बनाना है जिसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स और रेप्स करने हैं और कितने वेट से करने हैं, ये सब लिखा होना चाहिए और हर प्लान में पिछले से ज़्यादा प्रोग्रेस होनी चाहिए। मूविंग टू अ लास्ट थिंग वन कैन डू टू एनहेंस वर्कआउट परफॉर्मेंस इज टू ड्रिंक कॉफ़ी। जैसे कि हम जानते ही हैं, कॉफ़ी में कैफीन होता है और कैफीन एनर्जी प्रोवाइड करता है। That means taking coffee as a pre-workout is better than taking any pre-workout supplement, because coffee में pre-workout से ज़्यादा caffeine होता है and due to its cost efficiency and some more benefits, coffee is better than a pre-workout supplement.